हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कोर यूपीएससी के इस मंच पर। मैं डॉक्टर मनीष, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसे हम करंट अफेयर सीरीज कह रहे हैं, ठीक है। इस सीरीज का कुछ मोटिव है, कुछ गोल है, जहाँ पर हम आपको बेसिक कंसेप्ट समझा सकें, उन चीज़ों को बता सकें आपको, उन चीज़ों को आपके साथ शेयर कर सकें जो आपके लिए बहुत मुफीद हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक। जो मेरी अपनी पढ़ाई का अनुभव रहा है, जो मैंने पढ़ाई की है ना, उसको भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो ये सीरीज़ है, ये कंटिन्यू चलेगी। मैं उम्मीद करूँगा कि इससे मेरे सभी मित्र, सभी व्यूअर जो है बहुत ही लाभान्वित होंगे। और जो सीरीज़ है ये बेसिकली करंट अफेयर सीरीज होगी जो न्यूज़पेपर पर बेस्ड होगी, ठीक। तो न्यूज़पेपर को कैसे बेसिकली पढ़ना है, उसे कैसे एलिबरेट करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे आज की न्यूज है, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट खबर आई है आज के पेपर में कि वैश्विक व्यापार में नरमी है, ठीक। तो वैश्विक व्यापार में नरमी अगर है तो हमें समझना पड़ेगा कि इसका नेशनल इंटरनेशनल इफ़ेक्ट क्या होगा, ठीक। तो जैसे कि WTO ने कहा, साफ तौर पर कहा कि जो वैश्विक व्यापार है उसमें जो उन्होंने अनुमान लगाया था कि 2022-23 में 3.4% की ग्रोथ रहेगी, तो उन्होंने वो अनुमान घटा दिया है और उस अनुमान को उन्होंने एक कर दिया है। सिर्फ 1% ग्रोथ रहेगी, पॉइंट नंबर वन, जो कि बहुत ही खराब बात है। इसके पीछे उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं, कुछ कारण दिए हैं। पॉइंट नंबर वन, पहला है मौद्रिक नीतियों में बदलाव आया है, ठीक। तो जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उनमें चेंज होने से ऐसा हो पाता है, ऐसा संभव हो पाता है, ठीक। अब इसका कारण क्या है, जैसे मान लो आपने ब्याज दर बढ़ा दी, और ब्याज दरें कभी कभी इसलिए भी बढ़ाई जाती हैं ताकि जो मार्केट में इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाए, यानी कि महंगाई को सरल भाषा में कहा जाए तो नियंत्रित करने के लिए, ठीक, पहली बात। दूसरी चीज़ है क्या कि आज के टाइम में रूस यूक्रेन युद्ध 6 महीने से अधिक का समय उसको हो गया है लगभग, है ना। तो रूस और यूक्रेन दोनों जो देशों की कुछ विशेषताएं, जैसे रशिया है वो भी जो है अनाज उत्पादन में प्लस नेचुरल गैसेस में दुनिया में अपना एक जो है प्राधान्य स्थापित करता है, अपनी एक हेजमोनी रखता है। उसी तरीके से जो यूक्रेन है, यूक्रेन में कुछ खास रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं, साथ ही यूक्रेन में जो यूक्रेन है गेहूँ का और ऑडिबल ऑयल का, ये सूर्यमुखी का, इन सब चीज़ों का बेहतर उत्पादक है। तो इन चीज़ों से भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और इसका जो प्रभाव है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स पर भी पड़ता है। तो उसकी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है, वो भी इफेक्ट होती है। तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन इफेक्ट हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि जो देशों के बीच में जो आवागमन है, आयात निर्यात है, वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गया है ना। तो ये चीज़ है। अगला अगर मैं पॉइंट कहूँ तो ब्याज दर में जो है जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से ऐसा है, क्योंकि जब ब्याज दर बढ़ेंगी तो लोग खरीदेंगे कम, घर कम बनाएंगे, कंज्यूमिंग कैपेसिटी घट जाएगी, है ना। और साथ में हाई इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन दो स्तर पर है, अगर हेड काउंट रेशियो के हिसाब से देखें तभी इन्फ्लेशन ज़्यादा है। एंड सेकेंड अगर हम कहें कि अगर खुदरा बाजार में इन्फ्लेशन देखें तो वो भी है, और थोक बाजार में भी काफ़ी ज़बरदस्त इन्फ्लेशन है। तो इसके वजह से लगातार जो है वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं, चाहे वो खाद्य से जुड़ी वस्तुएं हों, चाहे वो सर्विसेज से जुड़ी वस्तुएं हों, वो सारी चीज़ें या फैसिलिटीज़ हों, वो सारी महंगी होती जा रही हैं दोस्तों। तो इसका भी दुष्प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था में दिखाई देता है। WTO ने एक उम्मीद भी जताई है, एक संकेत बेसिकली उसे कहा जाएगा कि किया है, उन्होंने बहुत ही क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन बेहतर रहती है तो व्यापार में तेजी आएगी, और इस व्यापार में तेजी का जो प्रभाव है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक परिलक्षित हो सकता है, लेकिन यह अगले वर्ष ही संभव हो सकता है। अगर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था 4.6% की जो है प्रतिशत से वो वृद्धि करेगी, ठीक। तो ये पहली न्यूज हुई। सेकेंड न्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन बॉन्ड, हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि व्हाट इज़ ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड होते क्या हैं। तो देखिए, ग्रीन बॉन्ड बहुत ही मतलब सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, इसमें कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है।
ग्रीन बॉन्ड वी बॉन्ड होते हैं जिनमें ग्रीन बॉन्ड वी बॉन्ड होते हैं जिनमें बेसिकली हम जैसे कि रिवेन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, उसमें हम बॉन्ड्स को परचेस करते हैं या बॉन्ड को सोल्ड आउट करते हैं, तो उसे बोलते हैं ग्रीन बॉन्ड। जब यानी किसी कंपनी का किसी भी ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उसका अपना कुछ बॉन्ड, कुछ शेयर अंश वो रिलीज करते हैं तो उनको हम ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं। तब लोग उनके बॉन्ड्स को खरीदते हैं जो अनमूवेबल होते हैं, या कह सकते हो कि स्थायी प्रकृति के होते हैं। ठीक, तो ये दूसरी न्यूज हो गई। तीसरी अच्छी खबर है कि जो डीमैट अकाउंट हैं वो तेजी के साथ बढ़े हैं। तो हमें ये पहले ये समझना चाहिए दोस्तों कि ये डीमैट अकाउंट होते क्या हैं, है ना। ये डीमैट अकाउंट बेसिकली वे अकाउंट होते हैं जब कोई व्यक्ति शेयर बाजार में शेयर खरीदता है, ठीक, या शेयर की मार्केटिंग करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोलना होता है। एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ इससे रिलेटेड मैं बता दूँ जो पूछी भी गई है, डीमैट अकाउंट को हम अपने पते के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते। तो यानी शेयर बाजार में जो जो है खरीदारी है वो बढ़ी है, तो इसे हम समझ सकते हैं कि जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही खराब स्थिति में नहीं है, ठीक ठाक स्थिति में है ना। तो ये तीसरी न्यूज हो गई। चौथी न्यूज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, जिसपे UPSC UPPCS मेंस में बहुत ही क्वेश्चन पूछता रहा है, इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन आते रहे हैं। कहा गया है कि पांच राज्यों में 40% जॉब घट गई हैं, और वो पांच राज्य कौन हैं, जैसे दिल्ली, कर्नाटका, ठीक, गुजरात, तेलंगाना और हरियाणा। यानी कि जो इकोनॉमी के बेस हैं, एक तरीके की डेवलप्ड इकोनॉमी इन राज्यों में है, इन राज्यों में लगभग 40% जॉब घट गई हैं। तो हम ये पाते हैं कि जो हमारी हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, यानी कि आपकी GDP तो बढ़ रही है लेकिन जो जिन जॉबों की दरकार है, यानी जिन जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, वो घट रही है। तो ये वहाँ से रिलेटेड बात है जो कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, है ना, जो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो है एक तरीके का सरकार को अपनी पॉलिसीज़ को और बढ़ाना पड़ेगा, जो रेवड़ी कल्चर है वो और इम्प्रूव हो सकता है, ऐसे तमाम पॉलिटिकल डिसीजन लेने पड़ेंगे जो जिसे हमारा राजकोषीय घाटा है ना, जिनसे हमारा राजकोषीय घाटा असंतुलित हो सकता है। ठीक, ये चीज़। और ये भी कहा गया कि जो हमारी इकोनॉमी है वो के शेप में होगी। के शेप इकोनॉमी का मतलब है उसका एक, जैसे के हम बनाते ना, तो एक उसकी जो है ऊपर की तरफ रहता है और एक नीचे की तरफ रहता आर्क। तो वो जो यानी कि कुछ अर्थव्यवस्था का जो है क्षेत्र हैं जो तो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन स्ट्रेट ऊपर की तरफ भी नहीं जा रहे हैं, और कुछ क्षेत्र हैं जो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, जिससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो बहुत बेहतर दिशा में जिसे चलना चाहिए था वो बेसिकली नहीं चल पा रही है। यानी कि जैसे MSME सेक्टर हो गए, ठीक, जैसे माइक्रो इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, वो जितना बेहतर उसको परफॉर्म करना चाहिए था, प्रदर्शन करना चाहिए था, जबकि इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए का इंसेंटिव सरकार ने डाला था मार्केट में, क्योंकि वो चाहता था कि सरकार चाहती थी कि जो है हमारी जो इकोनॉमी है उसमें लिक्विडिटी मेंटेन रहे, इंडस्ट्री बढ़िया से काम करें, है ना। तो ये चीज़, तो ये जो के शेप इकोनॉमी है वो एक उसमें बड़ी शंका की बात है कि चूँकि हमारा जो 91% जो पॉपुलेशन है दोस्तों वो मात्र जो है वो असंगठित क्षेत्र में लगी है, और मात्र 8-9% लोग ही सरकारी क्षेत्र से रोजगार पाते हैं, है ना। तो ये चीज़। और ये भी कहा गया कि उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो है पांच राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा में जॉब की मांग बढ़ गई है, है ना। तो यानी कि ये भी जॉब से रिलेटेड इशू है। देखिए, सबसे पहली बात तो एक रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, हमें ये समझना पड़ेगा। रिवर्स माइग्रेशन का ये मतलब होता है दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जॉब करने गया है, प्राइवेट जॉब करने गया है, अब उसको वहाँ पर जॉब से बाहर निकाल दिया गया, या कोविड जैसी परिस्थितियों में वो वहाँ से वापस आया लेकिन वापस जा नहीं सका, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने क्षेत्र में काम करना चाहेगा। तो लोकल इकोनॉमी उसमें इतना जो है कह सकते हो कि भाव नहीं है, या इतनी उसमें क्षमता नहीं है कि वो उसको जॉब दे पाए। तो फिर क्या हुआ है कि मनरेगा जो एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है उसमें उन लोगों ने जॉब के लिए रिक्वायरमेंट रखी है, मांग रखी है, है ना। तो एक एक बात है। अगली इंपॉर्टेंट जो न्यूज है, जो चौथे पांचवें नंबर की न्यूज है, उसमें कहा गया है कि जो जो है मोहन भागवत साहब हैं, ठीक,
जो आरएसएस के सर संचालक हैं उन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल वन ऑफ द मेजर आज के टाइम में, या कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है या जरूरी विषय हो चुका है जिस पर बहुत डिस्कोर्स करने की ज़रूरत है। तो देखिए इसका एक बात है कि देखिए आरएसएस इस बात के लिए भी फेमस है कि वो एक खास विचारधारा रखती है एक खास धर्म के प्रति, तो हमें उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन पॉपुलेशन इटसेल्फ एक विषय है, क्योंकि हम 140 करोड़ समथिंग हैं और 2023 में चाइना को पीछे करके हम नंबर एक देश बन जाएंगे यूएनडीपी के डेटा के अनुसार। तो हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जो हम अपने डेमोग्राफी में अपनी जनसंख्या में वो जो है वो गिरावट वो स्थिरता कैसे सुनिश्चित कर सकें, पहली बात। दूसरी चीज़ यह है कि जो हमारे युवा जो वृद्ध हो रहे हैं धीरे धीरे, तो इनको हम एक एसेट के तौर में तक कैसे तब्दील कर सकें, यानी इनको हम इनके हम काम काम में कैसे लगा सकें, पहली चीज़। सेकेंड बात ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की एक जो पॉलिसी है उसमें हम उसको कितना ज़्यादा यूज कर पा रहे हैं। वरना ये भी रिपोर्ट्स में पाया गया है कि 2000 जो है लगभग 30 के बाद तक जो है वृद्धों की संख्या युवाओं की बच्चों की संख्या की तुलना में बढ़ जाएगी, यानी 20% लोग भारत के वृद्ध हो जाएंगे। तो भारत को लगभग उन्हीं प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो आज जापान चाइना या कुछ जो है पश्चिमी विकसित यूरोपीय देश उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ठीक, तो आज की ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर न्यूज़ थी, मैंने आपको सभी के साथ साझा किया है, जिनका प्रयोग आप अपने मेंस एग्जाम में कर सकते हैं। इन वीडियोस को और रिफाइन किया जाएगा और आपके लिए उपयोगी बनाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।